राज्य विकास केंद्र अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने धार्मिक आड़ को लेकर सोमवार को जूनी इंदौर थाने पर धरना दिया। एमपी में कमलनाथ सरकार है और उसके बाद भी कांग्रेस ने देवेंद्र यादव लगातार कांग्रेस सरकार के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार की बदनामी होती है और वह कांग्रेस के नेता हैं। व्यवहार करने वाले थाना प्रभारी को हटाया जाए, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की परमिशन नहीं देने वाले थाना प्रभारी को हटाया जाए, गणेश चतुर्थी पर परमिशन नहीं देने वाले थाना प्रभारी को हटाया जाए, थाना प्रभारी को हटाया जाए। वहीं सोमवार को भी कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने जूनी इंदौर थाने पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लेकर एक प्रदर्शन किया, जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देवेंद्र यादव जूनी इंदौर के थाना प्रभारी पर दबाव बना रहे हैं और दबाव बनाकर क्या जताना चाहते हैं। भगवान गणेश जी को हाथ में लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस, कांग्रेस सरकार के अधिकारियों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, थाने पर किया कांग्रेसियों ने प्रदर्शन। पिछले दिनों लसूड़िया थाने में धरना प्रदर्शन और छत्रीपुरा में भी प्रदर्शन और अब जूनी इंदौर थाने में प्रदर्शन। अब आखिर क्या चाहते हैं देवेंद्र यादव? ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। आज धरना थाना प्रभारी जूनी इंदौर द्वारा गणेश चतुर्थी के स्थापना दिवस, जो स्थापना आज गणेश चतुर्थी पे होने वाली थी, उसकी परमिशन के लिए आम लोगों को कई दिनों से परेशान किया जा रहा था और उसको लेकर मेरी थाना जूनी इंदौर थाना प्रभारी से चर्चा हुई और जिस तरीके की उन्होंने व्यवहार किया और चर्चा की, मैंने उनको समझाया कि आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, कांग्रेस की सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो। इस पर थाना प्रभारी जूनी इंदौर श्री देवेंद्र कुमार जी ने यह कहा कि सरकार है कहाँ, कांग्रेस की सरकार है ही नहीं, कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरी है, उस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, इस तरीके की टिप्पणी और कई उनसे मेरी चर्चा हुई। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर धरना देने का निर्णय रखा।